इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। नेक्स्ट, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। नेक्स्ट, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। शाबाश, सभी बच्चे लिखते होने चाहिए, कुछ बच्चे लिख नहीं रहे। लेट मी टेल यू, मेरी खास नजर है उनके ऊपर, सभी बच्चे लिखते हुए होने चाहिए। नेक्स्ट, शाबाश, अगर पैरलर में रेजिस्टेंसेस लगे तो वी हैव टू फाइंड लाइक दिस, पी स्टैंड्स फॉर पैरलर, और करंट को कैलकुलेट करना हो तो वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना हो तो 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखना हो, रो एल अपॉन ए, यानी रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सीरीज का फॉर्मूला देखना हो, रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं सीरीज में। और दो मेमोरी टूल बताए थे टीचर ने, कौन से? SIS, सीरीज में करंट सेम, सीरीज करंट सेम। एक और बताया था PVS, पैरलर में वोल्टेज सेम, पैरलर में वोल्टेज सेम। और क्या बताया था टीचर ने? एक ऐसे सर्कल में लिखते हैं, इसको एम मीटर बोलते हैं, और ये करंट मापता है, मेशर्स करंट। और जब भी इसको हम सर्किट में लगाते हैं तो हम इसको सीरीज में लगाते हैं, कनेक्ट इन सीरीज। ओके, एक ये वाला सिंबल होता है बेटे, कैपिटल वी सर्कल में, ये वोल्ट मीटर होता है, वोल्टेज मापता है, जिसको के पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। और ऊपर वाला कौन सा था? एम मीटर। वोल्ट मीटर क्या करते हैं? मेशर्स पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज भी बोल सकते हो। और जब भी ये लगेगा तो पैरलर में लगता है, कनेक्टेड इन पैरलल ऑलवेज। एम मीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, जितना लो होएगा उतना बढ़िया। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना हाई होएगा उतना एक्यूरेसी से काम करेगा। एम मीटर का रेजिस्टेंस जितना लो होएगा उतना एक्यूरेसी से ज्यादा काम करेगा। फिर मेरे बच्चों को कुछ सिंबल पता होने चाहिए। ये क्या होता है? ऑन ऑफ की का सिंबल होता है बेटे। ये किस चीज का सिंबल होता है? रजिस्टर का सिंबल होता है, रजिस्टर। ये किस चीज का सिंबल होता है? सेल का सिंबल होता है, प्लस माइनस। और काफी सारे सेल्स को ऐसे सीरीज में लगा दें तो ये बैटरी का सिंबल होता है बेटे, बैटरी। ये किसका सिंबल होता है? बल्ब का, लैंप भी बोल देते हैं इसको। ये किसका सिंबल होता है? फैन का। ये किसका सिंबल होता है? फ्यूज का, फ्यूज। सारे याद होने चाहिए, अब सारे बना लेना। ये किसका सिंबल होता है? एक तार ऐसी जा रही है और दूसरी तार उसके ऊपर से ऐसे दिखाई होती है, इसका मतलब है दोनों तारें आपस में बिना टच करे निकल रही हैं। इसको जंपर बोलते हैं, जंपर।
शाबाश, इनमें से जो चीजें आपको पहले नहीं पता थी उन पे स्टार लगाओ। वॉट एवर वॉज नॉट नोन टू यू प्लीज पुट द स्टार ऑन दैट इन ऑर्डर टू गैदर योर स्पेशल अटेंशन लेटर। ओके, नाउ यू पीपल प्लीज ओपन द असाइनमेंट। लेट्स, अच्छा एक एक चीज और भी सुन लो, और भी है एक दो फॉर्मूले। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है? और सुनो, हीट इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। पावर का एक फार्मूला और भी होता है, वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज इनटू करंट पावर का। पावर के दो फार्मूले और भी होते हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। और कौन सा होता है? करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस बेटे। और क्या बच्चे मेरे याद करेंगे? 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल होता है बच्चे। ओके, ये हमारी सारी कहानियां, हमारी असाइनमेंट लंबी है, लेट्स स्टार्ट। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 में सर्किट आपके सामने है, देखो ध्यान से देखो, हट फरी। आप बता सकते हो 3 3 और 3 ओम सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं? पैरेलल पैरेलल। में। उसके बाद 4 और 6 ओम सीरीज में है कि पैरेलल में? 4 और 6 पैरेलल। पैरलल। बस फिर तो आपको पता ही है, पैरलल में निकालने के बाद तीनों सेट आपस में सीरीज में हो जाएंगे। देखो फिर हम कहेंगे 1/R1 इज इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3। तो तीनों का जो पैरलल कॉम्बिनेशन है वो बनेगा 3/1/3। ये 1 आ गया, रेसिप्रोकल जरूर लेना है। देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 3 ओम, और R2 हमारे पास ऑलरेडी 5 ओम दे रखा है। R3 कैसे निकालेंगे? 1/4 + 1/6 पैरलर कर लगाएंगे। एलसीएम कितना हो गया बेटे? 12 हो गया। 3 + 2, देयर फोर R3 रेसिप्रोकल लेंगे। बहुत से बच्चे रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं। 12/5 ओम, ठीक है? उसके बाद ये तीनों का जो सेट हो गया टिक वाले, ये सीरीज में लगेंगे। तो इसका मतलब जो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है वो सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि R1 + R2 + R3, यानी कि 3 + 5 + 12/5। सर, हाँ जी, R1 is 1 ओम। 1 ओम, सॉरी, ये कट के 1 ओम आएगा, 1 ओम होना चाहिए। यू आर राइट, वेरी राइट बेटे। और इसको देखो कैसे ऐड करते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ एलसीएम लेने लग जाते हैं। एलसीएम तब लेना होता है जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना मुश्किल हो, तब लेना होता है, नहीं तो नहीं लेना होता है। अब देखो ये तो बड़ा आसान है, 2.4, तो ये बन गया 8.4 ओम। करेक्ट हुआ बेटे, समझ आया आपको? इफ यू हैव अंडरस्टूड वेल प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करना है। ओके, शाबाश, डाउन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों को अल्ट्रा क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आप कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि 1 1 और 1 ओम, 3 1 ओम ऐसे करके बने हुए हैं, 1 ओम और 1 ओम और 1 ओम, ये तीनों आपस में सीरीज में है या पैरलर में? सीरीज में है, एक ही लाइन में। तो इन तीनों का क्या बन जाएगा? सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे 3 ओम। और इसी तरह से एक नीचे लगे हुए हैं रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम,
और टू ओम, ये भी आपस में क्या है, आपस में ऑन द सेम मैनर सीरीज में लगे हैं, तो 2 + 2 + 2 6 ओम, 6 ओम बन गया बेटे, राइट। अब बाकी का सर्किट क्या है, एक इधर 1 ओम लगा, एक इधर 1 ओम लगा, 1 ओम, एक 1 ओम, और यहां पर आखिर में कौन कौन से टर्मिनल है, ए और बी। तो जब इन दोनों का 6 हो गया तो हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट ये बन गया। बोलो यहां तक समझ आया मेरे बच्चों को, रेज योर प्रॉपर हैंड, यहां तक समझ आया, गुड। अब क्या करें, अब हम इसको R1 कह देते हैं, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को RP कह देंगे, और इसको इसको R2 कह देते हैं। तो RP को निकालते हैं पहले, 1/RP/3 + 1/6, गॉट इट। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आ गया बेटे, देखो ऐसे आ गया, राइट। तो RP कितना हो गया, 6/3, 2 ओम आ गया रेसिप्रोकल लेने के बाद। तो आर ए बी कितना होगा, तीनों को ऐड कर देंगे, R1 और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने RP बोला, फिर R2 बोला लास्ट में, तो 1 और 1 और 2, कितना आंसर आया बताओगे? तो और क्या मैं उम्मीद करूं मेरे बच्चों को सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया? और ऐसे नहीं, रेज योर प्रॉपर हैंड, शाबाश शाबाश। कोई भी बच्चे ने शर्माना नहीं है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो बिना सोचे समझे आपने लेफ्ट हैंड खड़ा कर देना, ओके। अपने आप ही टीचर देख लेंगे क्लास में गहराई से, और कहीं भी मेरे को पॉसिबिलिटी लगेगी कि मेरे इस बच्चे को अभी नहीं पता लगा तो आई विल री एक्सप्लेन। बिल्कुल भी शर्माना नहीं, अपने दोस्तों की तरफ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, अगर नहीं समझ आया तो मैं बताऊंगा, राइट। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट डिपेंड्स अपॉन, देखो हीट का फार्मूला देखते हैं, ये पढ़ा, हीट का फार्मूला, क्या वो अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंडेंट है? यस। क्या वो टाइम पे डिपेंडेंट है? फार्मूला देखो, यस। क्या वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट है? यस। कौन सी ऑप्शन ठीक हुई फिर इसकी? हाँ ऑल ऑफ देम, डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आर, देखो बच्चे ध्यान से देखो, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो वाट होती है वो यूनिट ऑफ पावर होती है, यूनिट ऑफ पावर। अगर वाट को 1000 से डिवाइड कर दें तो किलो वाट भी किसकी यूनिट होती है, हायर यूनिट ऑफ पावर होगी, हायर यूनिट ऑफ पावर, गॉट इट। लेकिन आप इधर देखो बच्चे, पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, और यहां तक पावर है ना, इसकी यूनिट होगी किलो वाट, पर साथ में टाइम लग जाए, टाइम को अगर हम आर में ले लें, घंटों में, तो सामने क्या लिखा हुआ, हीट। हीट क्या होती है, एनर्जी होती है, तो जो हीट की यूनिट होती है उसमें टाइम फैक्टर भी आ जाता है, इसलिए किलो वाट के साथ साथ अगर आर लिखा होगा तो वो हीट की यूनिट होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, डिफरेंस बिटवीन किलो वाट एंड किलो वाट आर, तो पहला है पावर का, दूसरा है हीट का, तो कौन सा यूनिट सही हुआ, कौन सा ठीक हो गया बेटे? उससे भी अच्छा ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्यों ऑप्शन बी सही है? क्योंकि वैसे तो एनर्जी की यूनिट होती है, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी, उसकी होती है जूल, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बिल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल जो आता है तब उसकी यूनिट यूज कौन सी होती है, किलोवाट आवर। तो क्योंकि ये पैसे से लिंक्ड बात होगी इसलिए इसको कॉमर्स, कॉमर्स मैंने पैसे से डील करता है, कॉमर्स से वर्ड बनाया, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर पंजाब ने हरियाणा को एनर्जी बेचनी है तो वो क्या बोलेगा कि मैं तुम्हें 100 यूनिट्स देता हूं और इतने पैसे लगेंगे, 100 यूनिट मतलब 100 किलो वाट आवर्स।
वन यूनिट ऑफ एनर्जी कमर्शियली लेनी हो तो वो किलोवाट आवर लेते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हुआ। और जो बच्चा कहता सर आपने कभी कभी जाउल भी बोला था एनर्जी का, जाउल अगर बिल की बात ना हो रही हो, बिल की बात ना हो रही हो वहां सारी जगह पर पूरी साइंस में, तब आपने यूनिट जाउल यूज करना है एनर्जी का, ठीक है। अगर अगर बिल की बात होगी, कहीं भी पैसे से लिंक्ड बात होगी, तो आपको किलोवाट आवर यूज करना है। आया समझ? यस सर। गुड जॉब। लेट्स मूव टू दी फिफ्थ क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर इज रेटेड 400 वॉट। देखो ऐसे करते होते हैं, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ते होते पेपर में, जितना जितना दिया हो उसको लिखते जाते होते हैं। द इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, इसका मतलब पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर की कितनी? 400 वॉट। एक बच्चा पूछेगा सर आपको कैसे पता है कि 400 पावर ही होती है वाट, तो मैं कहूंगा बेटे मैंने यूनिट याद कर रखे हैं, मैंने यूनिट याद कर रखे हैं, आपको भी याद होने चाहिए। ओके अगर किसी बच्चे को यूनिट नहीं याद तो आपके टीचर यहां पर आपके लिए चार्ट बना देते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम, करंट की यूनिट एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, ठीक है, कंडक्टेंस की यूनिट साइमन साइमन, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन पर मीटर, चार्ज की यूनिट क्यूलम। ओके इतने इतनी ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। टाइम की यूनिट सेकेंड, राइट। और तो नहीं कोई सिंबल बचा? बस मास की तो आपको बताई है किलोग्राम। तो ये सारी आपको यूनिट याद होने चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, और उनको किस में मापा जाता है, इधर वाला सेक्शन सारा उनका SI यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट। और जिस चीज को हम मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। चलो बैक टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर की पावर है 400 वाट, ठीक है, और उसको एक दिन में 8 घंटे चलाया जाता है। टाइम टू रन द रेफ्रिजरेटर 8 आवर पर डे। ओके फिर क्या हो गया? द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ₹5 पर किलोवाट आवर। जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट वो 5 रुपए आती है पर किलोवाट आवर खर्चा करने से, एक यूनिट यूज करने से। मतलब व्हाट इज द कॉस्ट? तो आपने बताना है एक दिन का बिल कितना आएगा, बिल फॉर वन डे। ओके तो आपने क्या देखा बच्चे, क्या देखा आपने बेटे? टाइम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है। अब इस फार्मूल, दोनों फार्मूलों को ध्यान से देखो, इसको और इसको गौर से देखो। मैं अपने द्वारा भी लिखता हूं यहां पर। एक होता है हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी यही फार्मूला लग जाता है, और एक होता है पावर। दोनों को गौर से देखो तो I² R को यहां से हटा के यहां लिख देंगे तो एनर्जी या हीट का फार्मूला, देखो ये पावर उधर चला जाएगा, पावर इंटू टाइम कर दो, एनर्जी का फार्मूला आ गया, चाहे हीट का बोल दो इसको। तो हमारे पास टाइम भी है और पावर भी है, दोनों रख दो। पावर कितनी? 400। टाइम कितना? 8 आवर। लेकिन जब हमने बिजली का बिल निकालना होता है तो पावर को वाट में नहीं पुट करना, बल्कि किलो वाट में पुट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। तो इस 400 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब ये किलो वाट बनेंगे, ठीक है बेटे। तो अगले स्टेप में क्या हो गया? 0.4 × 8, 3.2 किलो वाट आर आ गए। कितने यूनिट यूज होंगे? और एक यूनिट का बिल कितना है? 5। तो एक एक यूनिट का कॉस्ट, तो टोटल बिल कितना हो गया? 3.2 टोटल यूनिट्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। ओके
तो इसका मतलब ₹16 हमारा बिल आएगा एक दिन का। आया समझ? रेज योर प्रॉपर हैंड। फ्रंट पे स्टूडेंट बैठे हैं, देखो बेटे आप टीचर के लिए हाथ भी नहीं खड़ा कर सकते कम से कम। ओके, इसको मैनर्स बोलते हैं बेटे। मान लो कल को आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगी और आपने टीचर का इतना बात नहीं करा, जानते हो लेक्चरर वहां क्या करते हैं, प्रोफेसर लोग यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, वो देखते हैं आज 3 बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा करा, ना इधर ना इधर, ना लेफ्ट हैंड खड़ा ना राइट, अपनी बुक्स उठाते हैं और चले जाते हैं। 2 डेज लेक्चर इज ओवर। लेकिन उस लेक्चर में जितना भी वो सिलेबस लिख के लाए होंगे कागज पे, वो कभी कवर नहीं होएगा लाइफ में, पर वो पेपर में जरूर आएगा। ऐसा होता है, इसलिए प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाके सब मैनर्स आ जाते हैं बच्चों को। बेटर है कि अभी से अपने आप को ट्यून करो। दोबारा हाँ बेटे, कौन से वाला? यहां तक समझ आया आपको ये फार्मूला एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी? यहां तक यस और नो बोलना है आपने, हर स्टेप पे बोलो यस या नो। पावर का फार्मूला समझ आया? आई स्क्वायर आर उधर लिखे हैं बेटे, फार्मूले तो खुद याद करना। तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे पुट कर दो, तो हीट का फार्मूला क्या बन गया? पावर इंटू टाइम। गॉट इट? टाइम तो हमें ऑलरेडी आवर्स में दे रखा है, 8 आवर्स, तो मैंने 8 लिख दिया। पावर मेरे को वाट में दे रखी है, वाट से किलोवाट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 400 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट आ जाएगा, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड करा। आया समझ बेटे? एक एक स्टेप पे यस या नो तो बोलो कम से कम, जिसने पूछा था उसके मैनर्स तो बनते ही हैं। यस या नो? तो फिर जब हमारे पास यूनिट का आ गया, एक यूनिट का खर्चा, 1 किलोवाट आवर का खर्चा कितना है? 5 रुपीज। कैसे पता लगा? क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो 5 को मैं टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गया। 32 नहीं आएगी? हाँ, 3, 32, 32 आएगा। कैसे आएगा? ये इससे कट, ये इससे कट, डेसिमल लगाएंगे तो 0.4 नहीं आएगा? 0.4 × 8 सर लास्ट में कोस्ट लास्ट में। अरे 3.2 × 5 कैसे करेंगे तो 16 रुपए नहीं आएगा बेटे? हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना, अगर अकेले 3 को मल्टीप्लाई करते तो 15 रुपए आता 5 से, तो 0.2 आ गया, तो 15 से थोड़ा सा ज्यादा रुपए आएगा, 16 रुपीज। बेटर बेटर प्रेजेंस ऑफ माइंड करो बच्चे, कोई बात नहीं। फिर भी किसी भी बच्चे ने, चाहे ये छोटी सी बात थी, पर कोई भी बच्चा पूछने से शर्माएगा नहीं। जैसे इस बच्चे ने अपने टीचर से पूरे हक से पूछा, ऐसे ही आपने पूछना। और आज तो मेरी, आपको पता, आपकी यूनिफॉर्म और मेरी यूनिफॉर्म मैच भी करती है, यू नो, आज तो एक स्पेशल बॉन्ड है आपका। गेट तो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताओ, 6th क्वेश्चन आपने खुद बताना है, बोलो कौन सा सही है। सी ऑप्शन देखो बेटे, अगर उसने, बी ऑप्शन भी सही होता अगर उसने यहाँ डेसिमल लगा दिया होता। देखो 1 किलोवाट, यहाँ डेसिमल लगाया नहीं, उसने 36 लिख दिया, तो इसका मतलब हम बी ऑप्शन को गलत करेंगे। हम तो सी ऑप्शन के फार्मूले को ठीक करेंगे कि पावर, ये देखो पावर को ले लो और टाइम को ले लो तो आपके पास एनर्जी आ जाती है। वही उसने बोला, हीट और एनर्जी एक ही बात होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। द करंट थ्रू 12 बोल्ट टंगस्टन लैंप फिलामेंट इज कनेक्टेड टू 12 बोल्ट अकमुलेटर। सबसे पहले बच्चे याद कर लो, अकमुलेटर का मतलब भी बैटरी होता है। अकमुलेटर का मतलब बैटरी होता है, लेकिन इसकी नॉर्मल बैटरी से एक फर्क होता है, ये चार्जेबल बैटरी होती है। लिख लो, अकमुलेटर इज नोन एज चार्जेबल बैटरी। तो उसको बैटरी से जोड़ दिया गया और फिर उसने बोला कि उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। फिर उससे नीचे नीचे बहुत सारी चीजें पूछी हुई हैं और हमने उसको बताना है कौन सा। लो फिर, क्वेश्चन 7 में 3 क्वेश्चन है। पहले हम लिखते हैं बेटे,
बल्ब, करंट थ्रू ए 12 वोल्ट टंगस्टन, करंट निकालना है ओके। और बल्ब का रेटिंग क्या है, बल्ब का रेटिंग वोल्टेज रेटिंग कितना है, 12 वोल्ट। और बैटरी कितनी है, बैटरी 12 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है इसका, नहीं रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, करंट दिया हुआ, सॉरी करंट तो 3 एम्पियर दिया हुआ। इतनी कहानी दे रखी है बेटे, मतलब अगर मैं टीचर सर्किट बनाए तो ये एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ एमिटर लगा दिया, और ये बैटरी लगा दिया। बैटरी कितना है बेटे, 12 वोल्ट ओके। और एमिटर कितना करंट माप के देता है, 3 एम्पियर। अब सबसे पहले तो बोलता है कि इसका रेजिस्टेंस बताओ। देखो बेटे, अगर हमारे पास आई भी पड़ा हो और बैटरी की वोल्टेज भी पता हो, और अगर आर हमें चाहिए हो, तो कौन सा फार्मूला लगना चाहिए इनमें से। यस, ओम्स इसका टीचर ने नाम नहीं लिखा, इस वेरी पॉपुलर फार्मूला, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ओके। इसको कभी कभी किरचॉफ लॉ भी बोल देते हैं, किरचॉफ लॉ लिख लेना दोनों नाम, कभी कोई कोई टीचर इसको किरचॉफ लॉ के नाम से भी पूछ लेता है, पर इसका 90% टीचर इसको ओम्स लॉ बोल देते हैं। तो बेटे क्या हुआ, ध्यान से देखो, आपने देखा कि मैं यहां पर ओम्स लॉ लगाऊंगा, वी इज इक्वल टू आई आर, कोई बच्चा बताएगा कितना आंसर आएगा, क्या बात, 3 को नीचे ले गए, तो आपने खुद ही बता दिया 4 ओम। कौन सी ऑप्शन सही हुई, तो ये ए ऑप्शन सही हो गया। उसी, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, द पावर ऑफ द लैंप, लैंप की पावर बतानी है। तो जब लैंप की पावर बतानी है ना, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, गौर से देखो, लैंप की वोल्टेज रेटिंग दे रखी है और करंट। कोई ऐसी चीज देखते हैं जो दोनों को लेते हुए पावर का फार्मूला बनाए, ये पढ़ा, दिख रहा है बेटे, पावर गैलरी हमारी कितनी काम आती है। और वो बच्चा कितना सुस्त होएगा क्लास में जिसने ये गैलरी नहीं बना रखी, फार्मूला गैलरी, सोचो। तो वोल्टेज इनटू करंट, तो ये पढ़ा पावर रेटिंग वोल्टेज का, 12 × 3, लेकिन पेपर में इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप पहले फार्मूला नहीं लिखोगे। तो 36 वाट आ गया बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन। ऑप्शन। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट आवर इन 5 आवर्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 5 घंटों में इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी। देखो बेटे, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला आता है, तो सभी बच्चों को याद रखना चाहिए कि सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए आपने हमें सिखाया था पावर इंटू टाइम कर दो, लेकिन हम उसको कर तो देंगे, पावर आपकी होनी चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आवर्स में। मैंने कहा कर दो फिर, तो आप कहोगे सर करेंगे तो हम, तब पहले आप किलोवाट आवर में, किलोवाट में हमें वो बताओ तो सही, पावर है कितनी। तो मैं कहूंगा बेटे अभी बताता हूं, पहले टाइम पता है तुम्हें, बच्चा कहेगा टाइम तो गिवन है 5 आवर, और पावर बताओ आप। तो मैं कहूंगा पावर तो मेरे को दिया ही नहीं, तो आप कहोगे सर कर सकते हो आप, कैसे, वोल्टेज भी है आपके पास सर, करंट भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वोल्टेज इंटू करंट पावर ही तो होती है। तो जैसे ही मैं इसको करने लगा, मैंने करंट को 3 एम्पियर करा और टाइम ऊपर से 5 बार आता है, जैसे ही मैं वोल्टेज को पुट करने लगा कितना, 12, एक बच्चे ने मेरे को रोक दिया। वो बोलता है सर अगर आप वोल्टेज और करंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तब तो आपकी पावर वोल्ट वाट में आ जाएगी, पर इलेक्ट्रिक ये तो आपको किलो वाट आवर में चाहिए होता है, इसलिए वाट 1000 से डिवाइड करना पड़े। तो बच्चे ने मेरे को करेक्ट करा, मैंने इसको सही कर दिया, ठीक है।
तो जब हम इसको आगे देखते हैं तो ये इतना आ गया, और डेसिमल को सेटलमेंट कर दी, ठीक है, कहां पर लगेगा, 0.18 किलोवाट आर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन सही हो गया, करेक्ट, यस और नो? यस सर। ये भी हो गया बेटे। लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कोई प्यारी सी गुड़िया मेरे लिए ये पढ़े खुद टीचर के। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, कोई भी गर्ल स्टूडेंट इसको पढ़े मेरे लिए। बेटे माइक पे आके पढ़ो ना। If the current I through a resistor is increased by 100%, assume that temperature remains unchanged, the increase in power dissipated will be. अटेंशन, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, मेरे हिसाब से अभी तक का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, पहले याद रहे पहले क्वेश्चन पे स्टार लगाया मैंने अभी तक। तो बेटे इसको कैसे करते हैं गौर से देखो। वो कहता है कि मैंने करंट को 100% इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज इन द पावर डिसिपेटेड बताओ। देखो ध्यान से देखो, मानते हैं पावर, न्यू वाली पावर कितनी होगी, न्यू वाली पावर ये लो, वोल्टेज इनटू न्यू वाला करंट, करेक्ट, वोल्टेज इनटू न्यू वाला करंट। लेकिन न्यू वाला करंट है कितना, ये देखो पावर का फार्मूला ये यूज करा है, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो नया वाला करंट है कितना, बच्चा बोलेगा सर नया वाला करंट है ना जो, वो पुराने वाले करंट से 100% इंक्रीज कर दिया। जब किसी चीज को 100% इंक्रीज कर देते हैं तो क्या वो डबल हो जाती है या नहीं हो जाती, बोलो? यस हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे ट्वाइस दी ओरिजिनल करंट, ओल ओरिजिनल, ओरिजिनल याद रहे, पेपर में आपको अलग से लिखना पड़ेगा, एन का मतलब न्यू करंट, आई ओ का मतलब ओरिजिनल करंट, साइड पे लिखना पड़ेगा नहीं तो टीचर मार्क्स काट लेगा। तो नई वाली पावर होगी इतनी, बैटरी कितनी लगी है नीचे से, ट्वाइस ये, ठीक है। अब ओरिजिनल पावर कितनी थी, ओरिजिनल उसमें आपको हो गए ओरिजिनल वोल्टेज, ओरिजिनल करंट, राइट। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, पावर न्यू अपॉन पावर ओरिजिनल इज इक्वल टू कट के ट्वाइस आ गया। ट्वाइस आ गया बेटे, देखो वी और आई नॉट तो कट गए आपस में, इसका मतलब न्यू वाली पावर भी ओरिजिनल पावर का डबल होगी। अगर कोई चीज डबल हो जाए तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटे, डबल हो जाए तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज होता है, 100%। अच्छा अगर इसमें भी गलती लगे कि सर अगर डबल कर दिया परसेंटेज में कैसे जाना है, तो उसका भी मेथड सुन लो, अगर पेपर में कंफ्यूज हो जाओ तो आपने मैथ का रूल लगाना है। देखो इधर देखो, परसेंटेज चेंज कैसे कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, न्यू पावर माइनस ओरिजिनल पावर, चेंज हो गया टोटल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल पावर इनटू 100। ये पावर का फार्मूला होता है बेटे, जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आए हो ये वाला, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, इसको परसेंटेज चेंज बोलते हैं। तो आगे चलेंगे तो इस ये पी नॉट इंडिविजुअली डिवाइड करेगा इनको, तो पी न्यू अपॉन पी ओरिजिनल, पी ओरिजिनल अपॉन पी ओरिजिनल 1 आ गया 100 वैसे ही, और पी न्यू अपॉन पी ओरिजिनल की वैल्यू यहां से निकाल लो, ये देखो 2 आ गया, तो 2 माइनस 1 इंटू 100, तो कितना हो गया बेटे, 100%। ओके, ये मैंने ऐसे क्यों करके दिखाया बच्चों वाली बातें, क्योंकि किसी बच्चे का अभी अभी जवाब आया था 200%, उस बच्चे का मैथ वीक है जिसने 200% बोला था, इसलिए मेरे को ये करके दिखाना पड़ा। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वीक है उस बच्चे का जिसने 200% बोल दिया था,
ओके हमेशा याद रखना है, जब भी कोई चीज डबल हो जाती है तो 100% इंक्रीज माना जाता है। इज दैट क्लियर? मैंने कुछ साल किसी दूसरी कंट्री में भी पढ़ाया है, सिंगापुर में। तो जानते बेटे वहां पर हम ना ऐसे डिजिटल बोर्ड में करते थे काम, और जैसे टीचर करवाता था यहाँ पर एक पैनल लगा होता था, उसमें मैं करता था, क्लास में काउंट करता था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग लाइक 43। तो मैं यहाँ 43 लिख के एंटर करता था, तो एक बास्केट लगी होती थी उसमें 43 इसी की फोटोकॉपियां निकल जाती थी, 43। फिर दूसरा लेक्चर लेते थे, दूसरी बास्केट में निकल जाती थी। तो सभी बच्चे क्लास खत्म होने पर हर बास्केट में से एक एक शीट उठा के चले जाते, नो नीड ऑफ नोट्स मेकिंग, और डायरेक्ट इसी का फोटोस्टेट आ जाता। तो हमारे देश में भी अभी डेवलपमेंट चल रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगले 15-20 सालों में वो डेवलप्ड कंट्री बना देंगे अपने देश। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आप उस देश को डेवलप्ड बनाने के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा योगदान चाहिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है। और हम बार बार अपने देश को डेवलपिंग कंट्री नहीं कहना चाहते, अब हम इसको डेवलप्ड बनाना चाहते हैं 2047 तक। यह हमारे देश का मिशन है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा रोल अदा करना है, क्योंकि तब तक आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ना कुछ अच्छा, एडवोकेट, जज, कुछ ना कुछ बन चुके होंगे, राइट? क्या प्रॉमिस है टीचर के लिए आपको? आपका प्रॉमिस है, यस या नो? विल यू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू आर विलिंग टू। शाबाश, क्लैप फ्रॉम द टीचर साइड। इसका मतलब है आपके स्कूल के टीचर्स ने आपकी बहुत अच्छी वैल्यूज बनाई हैं, तभी आपने टीचर की यस में यस मिलाया। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। मैं इरेज करने लगा हूं बेटे इसको, सारे को। 9th क्वेश्चन, सभी ओके बच्चे जब तक मैं इसको इरेज करता हूं खुद से करके देखो, ट्राई योर बेस्ट बेस्ट। 9th क्वेश्चन, अच्छा एक बात और बतानी है, बिल्कुल सच सच बच्चे हो। कहीं जब टीचर लिखता है आपको सर का लिखा हुआ फॉन्ट ज्यादा छोटा तो नहीं दिखता? कुछ बच्चे दूर भी बैठे हैं, अगर ज्यादा छोटा दिखता है तो हम उसको वाइडर लिख के इरेज कर देंगे। वर यू कंफर्टेबल टू रीड? फॉन्ट छोटा तो नहीं था? छोटा था। ओके, तो इस बार हम इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे, कम क्वेश्चन करेंगे और फॉन्ट को मोटा रखें, बता देना होता है टीचर को। अच्छा ये तो मेरे अचानक माइंड में आया, तो मैंने देखा वो मैम आपके सुपरवाइज कर रहे हैं तो बड़ी दूर दिख रहे हैं मेरे को कैमरे में खड़े हुए। तो मैंने कहा इसका मतलब लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं उनको तो बड़ी मुश्किल से दिखता होगा ये फोन। मेरा अपने आप ही माइंड स्ट्राइक करा है, आपको भी बताना होता है टीचर को बेटे। ओके, सो लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्री इनकैंडिसेंट लैंप्स ए बी सी 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट होएगा इसमें से कौन सा? शाबाश, हमने इसमें ब्राइटेस्ट बताना है। तो ब्राइटेस्ट कैसे होती है कोई चीज, बता सकते हो? कोई भी चीज ब्राइटेस्ट कैसे होती है? देखो ये जो हीट का फार्मूला है, करेक्ट, इस हीट के फार्मूले से जब भी कोई चीज हीट गर्म करते हैं तो अकेली गर्म थोड़ी होती है, साथ में रोशनी भी देती है। तो इसी फार्मूले से हमें मदद मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे? पर हमें तो पावर दे रखी है, पावर, राइट? तो पावर अगर हमें दे रखी है, एक की पावर, इतना फार्मूला पावर का ही होता है, तो एक बल्ब की पावर कितनी है? 40 वाट। दूसरे की कितनी है? 60 वाट। और तीसरे की कितनी है बेटे? 100 वाट। ओके,
तो जो ज्यादा बड़ा बल्ब होता है वो ज्यादा करंट खींचता है, और जो ज्यादा करंट खींचेगा उसमें ब्राइटनेस ज्यादा आनी हो आनी है, ऊपर से करंट का स्केयर भी है देखो, तो इसका मतलब कौन सा ब्राइटेस्ट होएगा, ये वाला। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बना बेटा इसमें, ब्राइटनेस ऑफ कौन सा ऑप्शन बना बोलो। ऑप्शन सी ऑप्शन क्या, ब्राइटनेस ऑफ बी इज ग्रेटर विल बी मोर। हाँ देखो बी बी वाला सही बना बच्चे, नहीं सी सी वाला, बट सी वाला सही बना, सी वाला, यस या नो, तो सी वाला सही बना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टर 2 और 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द 6 वोल्ट हीट जनरेटेड बतानी है बेटे, कितने कितने हैं, 2 ओम, दूसरा कौन सा है 6 ओम, नहीं 4 ओम, दोनों सीरीज में लगाने के बाद बैटरी से जोड़ दिया, कितने वोल्ट का बैटरी बेटे, 6 वोल्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो गया, 2 + 4 6 ओम, वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट। पूछा क्या हुआ हमसे, हमसे उसने पूछा हुआ हीट, पूछा हुआ कितना टाइम, कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, तो वोल्टेज भी है टाइम भी है रेजिस्टेंस भी है, हीट का कोई ऐसा फार्मूला देखते हैं जिसमें वोल्टेज भी हो रेजिस्टेंस भी हो करंट भी हो। हीट का फार्मूला, ये तो फेल हो गया, ये बन गया फार्मूला, क्यों, क्योंकि हीट का फार्मूला टीचर ने अभी अभी सिखाया था, पावर इंटू टाइम, और पावर में ये देखो वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो वोल्टेज का रेजिस्टेंस अपॉन ये हो गया वोल्टेज का स्केयर अपॉन रेजिस्टेंस इंटू टाइम, तो वोल्टेज भी मेरी बड़ी है, 6 का स्केयर कर दूंगा 36, रेजिस्टेंस भी मेरे पास पड़ा है और टाइम भी मेरे पास पड़ा है, कितना आंसर आएगा बेटे, 30 जूल। कौन सी ऑप्शन सही हुई, बोलो कौन सी ऑप्शन, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 4 ओम, नहीं बेटे 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हुए हैं ना, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, गॉट इट के नहीं गलत, अच्छा सिर्फ 4 ओम में पूछी है, ओके ओके, जो सिर्फ इसमें पूछी हुई है बेटे इसमें, फिर ये क्वेश्चन और तरह से होगा, जब एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में पूछी है तो पूरे सर्किट में थी, तब आपने सबसे पहले ओम्स लॉ लगाना है, इसमें करंट निकालना है, वी इज इक्वल टू आई आर, गॉट इट, तो वी कितना 6, और दोनों का टोटल करके रेजिस्टेंस कितना 2 + 4 सीरीज में, वो भी 6, तो करंट कितना हो गया 6/6 1 एम्पियर। अब हमने हीट निकालनी है, तो आपको पता है ये दोनों सीरीज में लगे हैं, अगर इसमें 1 एम्पियर का करंट जाएगा तो इसमें भी 1 जाएगा, क्यों, टीचर ने मेमोरी टूल दिया था इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, तो 4 ओम में भी करंट कितना जाएगा बेटे, 1 एम्पियर ही जाएगा, तो उसमें हमने हीट बतानी है, आई स्क्वायर आर टी, तो आई कितना 1 का एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना 4, टाइम कितना 5 सेकंड दिया हुआ है, तो 20 जूल आ गया, करेक्ट है बेटे, अब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बिल्कुल सही बेटे, एक एक थोड़ा सा जरूरी फोन आ गया, 1 मिनट सिर्फ, एक चलो कट गया, रहने दे मैं बाद में करूंगा, कई बार ऐसा फोन आ जाता है जो बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल होता है, तो नेक्स्ट लीव इट, उसको काट दिया, लेट्स मूव टू द कौन सा क्वेश्चन बोलो, 11th क्वेश्चन, कोई बॉयज में से कोई बच्चा मेरे लिए पढ़ेगा 11th क्वेश्चन, प्लीज स्टडी दी रीड द 11th क्वेश्चन फॉर मी, बेटे माइक के ऊपर आके पढ़ो ऐसे नहीं, ठीक है।
इफ द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100% द इंक्रीज इन पावर विल बी ओके। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के ये पावर के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो इफ द करंट इन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 100% अज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन्स द इंक्रीज इन द पावर डिसिपेशन। ये ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पहले करा नहीं है क्या? ये तो सेम क्वेश्चन ही डाल दिया 8th वाला इन्होंने। हो गया 11th क्वेश्चन हो चुका है। 12th क्वेश्चन कौन बच्चा पढ़ेगा गर्ल्स में से? 12th क्वेश्चन An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 watt. A fuse wire of what rating must be used for it? बिल्कुल सही। एक इलेक्ट्रिक कैटल है वो 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक पावर लेती है जब 220 वोल्ट के ऑपरेट किया जाता है, तो कौन सा फ्यूज लगाए? ठीक है बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड है। स्टार लगा लो इस पे, स्टार लगा लो, शाबाश। टीचर इसमें यह कहना चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि मैंने एक इलेक्ट्रिक कैटल ली है। 11th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कैटल की जो पावर रेटिंग है वो 1 किलो वाट है। अगर वाट में बताऊं तो 1000 वाट है बेसिकली। ओके, फिर वो टीचर कहता है कि मैंने इसको कैटल को जिस वोल्टेज के ऊपर चलाया है वो है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। वो कहता है मैंने जो इसके ऊपर फ्यूज लगाना है ना, वो फ्यूज की करंट रेटिंग क्या होगी? करंट रेटिंग बेसिकली उसने क्या पूछा हुआ है? करंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो कितने एम्पियर का कौन सा फार्मूला लगेगा पावर का? वोल्टेज इनटू करंट। कहां पर लिखा हुआ है ये? पढ़ा पावर गैलरी में। वोल्टेज 220 है। वोल्टेज 220, यस यू आर राइट। तो इसको लगा दो 1000 divided by 220, करंट आ जाएगा। कट हो गया बेटे, 100 divided by 22 इज इक्वल टू करंट आ गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स, ये देखो, ये तो किसी भी हालत में 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने 5 से तो ये कम रहेगा, पर हमने जो फ्यूज लगाना है इसमें 5 के नियरेस्ट आंसर है उसको लगाना होता है। तो हम इसको बोलेंगे ये तो 5 से लिटिल लेस देन 5 है। देखो लिटिल लेस देन 5 एम्पियर। तो जो हमने फ्यूज लगाना है ना वो थोड़ा सा बड़ा लगाना होता है। कैसे पता थोड़ा सा बड़ा लगाना है? क्योंकि अगर हमने 5 एम्पियर का ही फ्यूज लगा दिया, इतनी जितना ये आंसर आएगा करंट का उतना ही लगा दिया, तब क्या होगा? जैसे कैटल को ऑन करेंगे फ्यूज उड़ जाएगा, कैटल को ऑन करेंगे फ्यूज उड़ जाएगा। तो कैटल जितना करंट को डिमांड कर रहा है, जितना करंट को डिमांड कर रहा है उससे जरा सा कम लगाना होता है। तो कितना डिमांड कर रहा है ये कर रहा है इतना इतना डिमांड कर रहा है बेटे ये अप्रोक्सीमेटली। तो इससे बड़ा फ्यूज लगाना होता है। तो फ्यूज की रेटिंग क्या होगी हमारी? 5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन सही हुआ 12th क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन ओके, लेट्स मूव टू दी 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन बेटे खुद से करो जरा। थर्टींथ क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं करा रहा आपको। तो मैंने इसमें दो टर्मिनल लगा दिए एक्स और वाई। आर एक्स और वाई को जब आप सॉल्व करोगे तो जानते हो इसका रेजिस्टेंस टोटल 3 ओम आएगा। आप लोगों का आया या नहीं आया? ओके, क्योंकि इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपने इसके सीरीज से जोड़ देना है। अभी तक ये इतना रेजिस्टेंस आया, लेकिन वो कहता क्या है? कह रहा है Each of them can tolerate maximum 18 volt.
वो कह रहा है इनमें से कोई भी रेजिस्टर है ना, उसकी पावर रेटिंग है 18 वाट। 18 वाट तक वो टॉलरेट कर सकता है, उससे ज्यादा पावर अगर मिल जाएगी तो वो पिघल जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू द ईच रेजिस्टर। अच्छा, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी फिर तो। ईच रेजिस्टर में से कितना, देखो ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में जो पावर रेटिंग होती है वो है 18 वाट। पावर रेटिंग रेटेड का आगे फार्मूला कौन सा होता है, जो रेजिस्टेंस को भी लिए हुए हो, रेजिस्टेंस को भी लिए हुए हो, करंट को भी। सर हमें कैसे पता लगेगा, यही फार्मूला यूज करना है। इसलिए करना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो उसने दे रखी है और करंट रेटिंग के बारे में वो हमसे पेपर में पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है, ये पूछ, ये गिवन, ये देखो टिक वाली चीजें गिवन और ये आस्कड। इसका मतलब ऐसा फार्मूला यूज करना चाहिए जिसमें ये तीनों सिंबल हो। तो एक बच्चा कहता है सर P इक्वल टू VI यूज कर लो। मैंने कहा नहीं बेटे, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। दूसरा बच्चा कहता है सर आप ना ये वाला यूज कर लो, V² / R। मैंने कहा ये भी नहीं यूज कर सकते, आपके पास बैटरी तो है ही नहीं, वोल्टेज दिया ही नहीं। फिर एक गुड़िया बोलती है कि सर I² R यूज करो। शी इज राइट, क्योंकि I² R यूज करने से मेरे पास सारे सिंबल यूज हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। इस तरह से आपने पेपर में पूरे ध्यान से चूज करना है कि आपको क्या यूज करना है। देखो उसने ना, आपने ये क्यों नहीं यूज करा टीचर ने, क्योंकि उसने पेपर में बोल दिया करंट बाय ईच, ईच पूछ लिया बेटे उसने। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू द 3 रेजिस्टर्स। ठीक है, तो जो एक रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट हैंडल करेगा वही बाकी करेंगे। तो 18 / 2 इज इक्वल टू I² तो I हो गया 9√3 एम्पीयर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें 3 एम्पीयर आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए, तीनों चारों जो भी करे हैं पांचों, तो रेज योर प्रॉपर हैंड, रेज योर प्रॉपर हैंड प्लीज। लास्ट में बच्चे, लास्ट में मैं सरदार बच्चे को देख रहा हूं, बिल्कुल सही। आपको तब हाथ खड़ा करना है, राइट हैंड, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। डाउन, तो लास्ट में दो प्यारे प्यारे सरदार बच्चे बैठे हैं, कितनी प्यारी टर्बन बांधी हुई है दोनों ने, लुकिंग स्वीट। उन्होंने गलती से लेफ्ट हैंड खड़ा करा था, तो जैसे ही मैंने उनको बोला रेज योर प्रॉपर हैंड, तो उन्होंने राइट हैंड सेट कर दिया। सबसे प्यारे लग रहे हैं दोनों इकट्ठे बैठे हुए। चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन मैं ये चाहूंगा जिन बच्चों को मैंने अभी प्यारे प्यारे बोला उनमें से कोई एक बच्चा पढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, शाबाश। Now, if a resistance of 10 ohm is connected in a parallel with this series combination, what change, if any, in current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place with reason? बैठो, तो ये बच्चा कह रहा है कि 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये लो बना देते हैं 10 ओम का, इज कनेक्टेड, ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दी सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट चेंज इफ द करंट फ्लोइंग इज 5 ओम फ्लोइंग थ्रू, व्हाट चेंज, क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। ए 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां हम कुछ ना कुछ सीरीज लिख देते हैं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ये जोड़ दिया। फिर वो क्या कहता है, व्हाट विल बी द चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप। ये दो क्वेश्चन नंबर 14 को कट कर दो बेटे, इसका लैंग्वेज गलती से दो क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं उसके टाइपिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 14 को कट कर दो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हेन ए 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस देन देयर इज ए करंट ऑफ 100 mA। ध्यान से सुनो, कह रहा है आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि जब इस रेजिस्टेंस को हमने एक बैटरी से जोड़ा जो कि 4 वोल्ट की है, तब ये पाया गया कि इसमें जो एमोमीटर ने रीडिंग मेजर करके दी करंट की, वो थी 100 mA। अब वो कहता है रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में, ये है इसका मतलब। तो आपको पता है करंट भी गिवन, वोल्टेज भी गिवन, रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। कोई ऐसा फार्मूला बता सकते हो जिसमें ये 3 सिंबल आते हो? ओम्स लॉ। देखो ऐसे सोचना होता है, गिवन गिवन आस्क्ड, गिवन गिवन आस्क्ड, ऐसा कोई फार्मूला जो इन तीनों को लेता हो, ऐसे सोचना होता है पेपर में फार्मूला सिलेक्शन। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R कितना वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज कितनी 4 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना बेटे देखो 100 mA दिया, जानबूझ के गलती करवाएगा आपसे, लेकिन मिली एम्पियर से मैं हमने पुट ही नहीं करना, हमने तो एम्पियर में पुट करना है। तो मिली एम्पियर को अगर 1000 से डिवाइड कर दो तो एम्पियर होता है, तो ये बन गया 0.1 एम्पियर, तो 0.1 लिख दिया। तो R इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 40 ओम। ओके 40 ओम, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटे। 16, कंसीडर ए कंडक्टर R, रेजिस्टेंस L, थिकनेस D। नाउ दिस कंडक्टर इज कट इनटू 4 पीसेस, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या किसी मटेरियल की शेप चेंज करने से चेंज होती है? नो, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये दो चीजें ऐसी होती हैं, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, दोनों की दोनों डिपेंड्स ओनली ऑन द टू पैरामीटर्स। वन पैरामीटर इज नेचर ऑफ द मटेरियल एंड सेकंड पैरामीटर इज टेम्परेचर। तो जब उसने एक ही वायर को कट कट करके पीस कर दिए तो उसकी रेजिस्टिविटी विल नेवर चेंज। ओके, तो 16th क्वेश्चन अपने आप में ही आ गया कि रेजिस्टिविटी चाहे पूरी वायर हो, चाहे कट कर दो उसको, चाहे सिंगल टुकड़ा ले लो, चाहे उनको पैरेलल में जोड़ दो, रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। ओके, यस, ओके। उसके बाद और कुछ भी चेंज नहीं होएगा फिर इसमें। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दीज पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। हाँ, ये देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जरूर चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, एक एक रेजिस्टेंस है इस वायर का, राइट, और उसको कितने टुकड़ों में कट कर दिया बेटे? 4 में, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स पेपर में दिया हुआ है ये। तो हर रेजिस्ट हर पार्ट का ईच का कितना हो गया? पूरे रेजिस्टेंस का R/4, करेक्ट। अब इनको हमने पैरेलल में जोड़ा है, तो इसका मतलब एक वायर ये लगाई, दूसरी ये लगाई, थर्ड ये लगाई, फोर्थ ये लगाई, दोनों सभी को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया, करेक्ट। तो एक्स और वाई में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 1/RXY पैरेलल में लग गए, तो ये पड़ा 1/R/4, 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 तो ये कितना हो गया? 4 × 4/R, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो। तो RXY इज इक्वल टू टोटल R डिवाइडेड बाय 16। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 1/16th पार्ट आ जाएगा, समझ आया, रेसिप्रोकल लेने से, क्योंकि ये कितना आ गया? 16/R आ गया, रेसिप्रोकल हो गए तो R/16। समझ आया आपको? और अगर इनको सीरीज में जोड़ देंगे दोबारा से, तो सीरीज में जोड़ देंगे तो R ओरिजिनल ही बन जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। 17 देखो बेटे,
सेवनटीन में एक रेजिस्टेंस वेरिएबल है 0 से 4000 ओम तक, दूसरा 200, तीसरा ये। अब वो कहता है कि एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल इज चेंजेबल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की सबसे कम, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, 17th क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। क्वेश्चन नंबर 17, अगर मैंने पेपर में डालना होता तो यही डालता, अगर मैं बोर्ड का पेपर सेट करता तो ये क्वेश्चन डालता। 7.5 साल टच चेक करें आपके टीचर ने बोर्ड के पेपर्स सीबीएसई के, 7.5 साल। तो अगर मैंने ये पेपर पेपर सेटर होता तो ये डालता मैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है बेटे, ध्यान से देखना। इस रेजिस्टेंस को उसने वेरिएबल बनाया, आर वेरिएबल, इसमें हम वी ए लिख देते हैं, वी ए आर वेरिएबल, और ये 0 से लेकर 400 ओम तक वेरी करता है। दूसरा है आर वन ले लेते हैं, 200,000 ओम। तीसरा है बेटे कितना, आर टू है, वो भी 2000 ओम है। लेकिन खास बात यह है कि वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा हुआ है, सिर्फ इसके अक्रॉस। अब हमें वो क्वेश्चन करता है कि जब मैंने इसको 12 वोल्ट की बैटरी से ऐसे सर्किट बना दिया लगा के, तो मैं इस आर वेरिएबल की वैल्यू कितनी रखूं कि इसकी रीडिंग मैक्सिमम आए, ये क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, कितनी होगी स्मॉलेस्ट। तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को ना एक बार सबसे कम ले लेते हैं, एक बार सबसे ज्यादा ले लेते हैं। जब मैंने इसको आर वेरिएबल का मैक्सिमम लिया, आर वेरिएबल का मैक्सिमम, तो कितना लेना पड़ेगा, 4000। तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो आर सर्किट कितना हो गया, 4 + 2 + 2, 8000 ओम हो गया। अब बैटरी कितना बेटे मेरे पास, 12 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा सर्किट में से जो पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा ऐसे करके, तो ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज अपॉन आर सर्किट, तो कितना हो गया बेटे, 12 / 8000, कितना करंट आया। लेकिन ये तो वोल्टमीटर की रीडिंग तो यहां से मापनी है, तो ये जो करंट यहां से आया वो उतना ही इधर जाएगा, उतना ही इधर जाएगा, उतना ही वापिस जाएगा बैटरी के अंदर। कैसे पता लगा सेम करंट जाएगा, ये देखो मेमोरी टूल SIS, सीरीज में करंट रिमेंस सेम। तो जब ये करंट इतने एम्पियर यहां से गुजरेगा तो यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होएगा, ओम जला लगाओ, वोल्टेज ड्रॉप। जब इसके अकेले के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप लेना है तो इसी का रेजिस्टेंस लेना है। फिर करंट हमें पता ही है ऊपर से कितना आ रहा है, तो करंट की वैल्यू रख दो उधर से 2000, इधर से 12/8000, कट हो गया 12/4, कट हो गया 3 वोल्ट की रीडिंग। क्या होएगी 3 वोल्ट की रीडिंग, जब आर को मैक्सिमम ले लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप की रीडिंग मिनिमम हो जाएगी 3 वोल्ट। अगर मैंने इसको 0 ओम ले लिया होता तो ये चीज कम होगी होती, ये कम होगी होती तो करंट, ये कम होने से करंट ज्यादा हो गया होता, करंट मैक्सिमम पुट करता तो वोल्टेज ड्रॉप भी मैक्सिमम आता। लेकिन पेपर में हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस को हायर वाली साइड पे पिक करा। व्हाट इट, समझ आया आपको, रेज योर प्रॉपर हैंड, किसी बच्चे का लेफ्ट तो नहीं खड़ा, राइट ही है, शाबाश, गुड, ओके। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 60 हर्ट्ज, व्हाट डज इट मीन। देखो बेटे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दो तरह की होती है, एक होती है डीसी, एक होती है एसी। एसी में डीसी कहां से आती है, बैटरी से। एसी कहां से आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन, जैसे कि नंगल डैम है, तो उसमें जो वोल्टेज होती है ना वो टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। तो ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ को मिलाकर एक साइकिल बोलते हैं, यहां तक
जहां तक दो डॉट लगे हैं इनके बीच में बोलते हैं वन साइकिल। ओके, ऐसे ही इसके अंदर यहां से यहां तक एक अनदर साइकिल। तो अगर ये साइकिल एक सेकंड में 60 टाइम्स, 1 सेकंड के अंदर अंदर 60 साइकिल्स बाहर निकलते हैं सोर्स से, नंगल डैम से बाहर आती है बिजली की सप्लाई, तब हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्स। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 60 सेकंड के अंदर अंदर जो करंट है वो कितनी बार चेंज होएगा। गौर से देखो, एक साइकिल के अंदर 2 बार चेंज होता है। ये देखो, यहां से तो शुरू हुआ, ये नहीं मानना, ये ऐसे गया, ये कट हो गया। देखो, पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव में आ गया, फिर यहां से फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में गया। तो एक साइकिल के अंदर अंदर 2 चेंजेस हुए, तो मैक्सिमम चेंजेस कितने हुए, एक डबल कर दो तो 60। एक साइकिल के अंदर अंदर 2 बार हुए तो टोटल साइकिल कितने थे, 60 साइकिल। तो 60 साइकिल × 2 तो मैक्सिमम चेंज कितने हो गए, 120 टाइम्स। ये सिर्फ नॉलेज का क्वेश्चन है, इसको आपने ऐसे ही याद रख लिया। सभी बच्चे, बेटे आपका एक 19th क्वेश्चन जो बचा है और केस स्टडी, ये आपको देखो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके लिए, एक केस स्टडी का छोड़ा और एक नीचे आदर्शन रीजनिंग हम अभी कर सकते हैं अगर चाहो तो। या आप कर क्या होगे बोलो, विल यू ट्राई इट। कितने क्वेश्चन छोड़े हैं टीचर ने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बेटे मैंने 6 क्वेश्चन छोड़े, सिर्फ 7। तो मैंने खुद कितने करवा दिए, 18 क्वेश्चन। तो क्या मैं अपने बच्चों से उम्मीद करूं कि वो करके आएंगे, रेज योर प्रॉपर हैंड। सभी को मैं देख रहा हूं किसने नहीं करा, नटी स्टूडेंट कौन सा है। सभी बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल प्रॉमिसिंग। सो नेक्स्ट टीचर की वेट करते हैं। आप जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, रेज योर बोथ हैंड्स लाइक दिस, जिनको आज का लेक्चर समझ आया, थैंक यू, दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। और सबसे ज्यादा थैंकफुल हूं मैं दोनों टीचर्स का जो इस वक्त क्लास में ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि विदाउट योर कोऑपरेशन कितनी बढ़िया क्लास पॉसिबल है। क्लैप फॉर योर टीचर्स हु आर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन सो वेल। थैंक यू बेटे।